सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के B29e फोन में अगर आप लोग चाहते हो अपने लॉक स्क्रीन पर खुद का नाम लिखना, जैसे अपने फोन को लॉक करते हो और लॉक स्क्रीन आपका देखने को मिल जाता है उस पर आप अपना नाम को लिख सकते हो। एंड इसके साथ में एक और फीचर्स बताने वाला हूं, जब अपने स्क्रीन को आप लॉक कर लोगे उसके बाद अपने कंट्रोल सेंटर को भी ओपन कर सकते हो एंड आपको लॉक ऑन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा फोन को एंड अपने कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर पाओगे। तो फाइनली इन दोनों को सेटिंग के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं डिटेल में, तो फाइनली वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड Instagram का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आप लोगों को चल के बता देते हैं। वेलकम टू माय YouTube चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के B29e फोन में कैसे लॉक स्क्रीन पर अपना नाम आप लोग लिख सकते हो। एंड मैं जैसे अपने फोन को लॉक करता हूं एंड मेरे लॉक स्क्रीन पर आप लोग देखोगे तो मेरा नाम लिखा आ जाएगा। यहां पर मैंने फोन को लॉक किया एंड यहां पर मेरा लॉक स्क्रीन है एंड मेरे लॉक स्क्रीन पर देख सकते हो सलमान आजमी एंड वीवो B23 5G मैंने लिखा हुआ है एंड आप लोग को यहां पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो फाइनली अगर आप लोग चाहते हो अपने वीवो के डिवाइस में एंड वीवो के B29e फोन में लिखना चाहते हो अपने लॉक स्क्रीन पर अपना खुद का नाम एंड अपने फोन को लॉक करने के बाद आप अपने कंट्रोल सेंटर को भी ओपन करना चाहते हो, इस तरीके से कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाता है लॉक स्क्रीन के बाद भी। जैसे कि मैं यहां पर मैं अपना स्क्रीन लॉक है एंड मैं कंट्रोल सेंटर देख सकते हो यहां पर करता हूं नीचे, तो यहां पर नहीं हो रहा। अब दोस्तों यहां पर जब आपका फोन में स्क्रीन लॉक लगा रहेगा फिर भी आप अपने कंट्रोल सेंटर को ओपन कर सकते हो अगर आपका स्क्रीन लॉक है। तो फाइनली इन सभी फीचर्स को कैसे आपको इनेबल करना है मैं आप लोग को इस वीडियो में चल के बता देता हूं। तो फाइनली चलिए दोस्तों चलते हैं सेटिंग के अंदर एंड सेटिंग के अंदर आने के बाद आप लोग को इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। यहां पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आओगे तो आपके फोन में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करता हूं तो यहां पर आप लोग को दो ऑप्शन मिलते हैं, लॉक स्क्रीन सेटिंग एंड होम स्क्रीन। तो आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे लॉक स्क्रीन सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास पहले मिल जाता है एड ऑन लॉक स्क्रीन एंड जो कि टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो लॉक स्क्रीन के ऊपर, यहां पर बताया गया। तो आप इस पर क्लिक करोगे एंड यहां पर आप अपना नाम लिख सकते हो जैसे कि मैंने लिखा है। यहां पर आपको दिखा देता हूं फिर से लिखकर। अब जैसे कि मैंने यहां पर लिखता हूं यस ए एल एम ए एन, अब यहां पर मैं लिखता हूं आजमी, आजमी लिख दिया। मैं लिखता हूं वीवो B23 देख सकते हो। तो दोस्तों यहां पर मैं लिखूंगा पहले यहां पर वीवो B23 5G। अब जैसे मैं यहां पर ओके पे क्लिक करूंगा ये हमारा टैक्स सेव हो जाएगा हमारे लॉक स्क्रीन पर। जब हम यहां पर अपने स्क्रीन को लॉक करेंगे तो हमारे लॉक स्क्रीन पर हमारा नाम देखने को मिल जाएगा एंड इस तरीके से आप लोग कर लेते हो, अपने नाम को लिख लेते हो लॉक स्क्रीन पर। एंड यहां पर दूसरा नंबर आता है, अगर आपका स्क्रीन लॉक है फिर भी आप अपने कंट्रोल सेंटर को ओपन कर सकते हो, तो यहां पर मिल जाते हैं लेफ्ट राइट वाला ऑप्शन, यहां पर ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम द लॉक स्क्रीन। तो अगर आपके फोन में ये ऑफ है तो एंड अपने फोन को लॉक करोगे तो आपका कंट्रोल सेंटर ओपन नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर अपने स्क्रीन पर नाम लिखा था तो यहां पर नाम आ चुका है एंड हम लॉक स्क्रीन पर अपने कंट्रोल सेंटर को ओपन करते हैं तो ओपन नहीं होता है। एंड जैसे मैं अपना लॉक करके एंड इस सेटिंग को इनेबल करता हूं एंड अपने फोन को लॉक करता हूं यहां पर, तो आप लोग देखोगे तो यहां पर कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स है, अगर आपने अपने फोन को लॉक किया है फिर भी कंट्रोल सेंटर को ओपन कर सकते हो। तो इन दोनों सेटिंग को आप लोग को 2 मिनट में इनेबल कर लेना एंड इनेबल करने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है एंड आपके लॉक स्क्रीन पर अपना नाम भी लिखा जाएगा एंड आपका स्क्रीन जब लॉक है एंड कंट्रोल सेंटर भी ओपन कर पाओगे। तो फाइनली इन सेटिंग को आप लोग को ऑन कर लेना है एंड अपने फोन के सेटिंग के अंदर जाकर ट्राई कर लेना है वीवो के B29e फोन में। तो फाइनली आप लोग जाकर ट्राई कर लेना। तो फाइनली मैंने इसके बारे में आप लोग को डिटेल में बता दिया कैसे आप लोग को इन सेटिंग को इनेबल करना है एंड कैसे अपने लॉक स्क्रीन पर नाम को लिखना है, मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता दिया। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए आज पर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एंड प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।